नतीजों के आने से पास या फेल नहीं होता, आखिर उस प्रदेश की कमान किसे सौंपी जा रही है। और बीजेपी जानती है कि जो नाम वो सामने लाती है अमिताभ जी, भले ही वो बहुत ज्यादा मशहूर ना हो, लेकिन जब उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो फिर वो संपूर्ण नजर आ जाते हैं। देखिए, रमन सिंह जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे, तीन टर्म रह गए, वो तीन चुनाव तक वो जीत कर रहे हैं, तीन टर्म मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तीन टर्म मुख्यमंत्री रहे लेकिन उनको चुना कब गया था, जब रमेश बैस ने वहां जाने से मना कर दिया था। रमेश बैस अब उस समय केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा केंद्र की राजनीति करेंगे, तब रमन सिंह वहां एक केंद्र में एमओ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उन्हें भेजा गया था। वही अल शिवराज जी के साथ उमा भारती को मुख्यमंत्री जनता ने चुनकर भेजा था 2003 के चुनाव में। उमा भारती के ऊपर कुछ कोर्ट मुकदमों का पेच ऐसा फंसा कि उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर भेजा गया था, उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव तब तक नहीं था, वो अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उनके पास काफी ज्यादा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है, केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन उनको स्पीकर बनाया गया। इससे संकेत साफ है कि जो पुरानी लीडरशिप है उसको उनके अनुभव का फायदा पार्टी उठाएगी राज्य में। इनके अनुभव का कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। कैलाश विजयवर्गीय जी, आखिरकार मध्य प्रदेश को मिल चुका है वो मुख्यमंत्री जिसमें महामंथन हुआ, कैसे एक सरप्राइज के तौर पर देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है वो सरप्राइज ही देता है, क्योंकि मीडिया जिन जिन के नाम चला है उसमें से एक भी नहीं बना। और हमारे नेतृत्व की विशेषता यही है कि सबको चकित करना, और उन्होंने चकित कर दिया। और मुझे प्रसन्नता है कि मोहन यादव जी एक बहुत पढ़े लिखे और लंबे समय तक संगठन का उन्होंने काम किया है, तो न्यू इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो नया मध्य प्रदेश भी वो बनाएंगे और हम सब उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। ये ठीक हुआ? कैलाश जी, अमिताभ सिन्हा बोल रहा हूँ दिल्ली से। नमस्ते। बोलो अमिताभ जी। कैलाश भाई, सरप्राइज तो सबसे बड़ा था कि आपको भी चुनाव में लड़ने भेज दिया गया था, तो हम लोग मानते हैं कि ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो होता है, ये डबल इंजन की सरकार और तेजी से बढ़ा पाएगा, अनुभव की कमी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, एक हमारे यहाँ टीम वर्क से काम होता है। नरेंद्र सिंह जी को सभापति बनाया है, अनुभवी हैं, केंद्र में काम किया, प्रदेश में काम किया उन्होंने, और अब यहाँ की टीम के वो एक सदस्य होंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो निश्चित रूप से एक परिपक्व टीम है और हम टीम वर्क से काम करेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। एक बड़ी चिंता होती है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता जो केंद्र में महासचिव हैं, जो प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, राकेश सिंह जो महाकौशल जबलपुर से आते हैं, राकेश जी भी एक बड़े कद के नेता, चीफ व्हिप रह चुके हैं 7 साल से और अब प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर हैं, तो सबके साथ सबको अब सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद रहेगा 100%। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्यकर्ता हैं, बाद में पदाधिकारी हैं, और इसलिए कार्यकर्ता भाव से हम काम करते हैं। जहाँ जो काम मिलता है, चाहे वो राकेश सिंह जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे शिवराज जी हो, हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। हम कोई बड़े छोटे नहीं हैं, हम महामंत्री बन गए तो कोई हमारे सिंह थोड़ी लग जाते हैं उसमें, तो इसलिए हम सब एक साथ मिलकर प्रदेश के विकास में मोहन जी के साथ सहयोग करेंगे। कैलाश जी, एक और सवाल उठता है कि आप आते हो इंदौर से, आपको चुनाव लड़ने को कहा गया, हर नेता हर इलाके से आ रहा है, मोहन यादव जी का बनना क्या आपको लगता है कि पूरे हिंदी बेल्ट में कैसा संदेश देगा, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, जातीय समीकरण के हिसाब से भी बहुत बढ़िया चॉइस हो सकती है ये? देखिए, हम जाति समीकरण की ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम एक योग्य कार्यकर्ता, लंबे समय से उसने विद्यार्थी परिषद में काम किया है, पढ़े लिखे कार्यकर्ता है, और इसलिए हम इतना ज्यादा सोचते नहीं है, अच्छा कार्यकर्ता हो जो प्रदेश का नेतृत्व कर सके, और निश्चित रूप से वो यादव है तो, और पिछड़े वर्ग में तो आते ही तो एक सोने में सुहागा हो गया, और वे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, सिर्फ वो पिछड़े हैं इसलिए नहीं बनाया, वो योग्य है इसलिए बनाया। तो इस बार कैलाश जी, इस बार उम्मीद करें कि आप लोग की पूरी ताकत लगेगी, 29-0 का स्कोर रहेगा कि 1-2 सीटें छोड़ेंगे जी? 29-0 रहेगा, 28-0 या 81 सीटें लोकसभा में? अरे, ये 29 की 29 सीट जीतेंगे, शिवराज जी ने अभियान चालू कर दिया है, हम सब उनके पीछे पीछे चल के 29 की 29 सीट जिताएंगे। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग कैबिनेट में रह के अपनी राज्य की समस्याएं सुलझाएं।
के बारे में जो मुझे जानकारी है बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा विकास यात्रा चली है इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। ये काम हमारे स्थानीय जो हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश